हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। दिग्विजय सिंह जी पर आते हैं। दिग्विजय सिंह जी की बात सुनिए। दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया, क्या ट्वीट किया देखते हैं। ये दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट है, बड़े अच्छे हैं। दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि जो मोदी सपोर्टर्स हैं वो गाली देते हैं। आइए देखते हैं दिग्विजय सिंह जी कितने अच्छे व्यक्ति हैं। ये देखिए दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट, यहां ये कह रहे हैं, ऐसे देखते हैं। मुझे दुख है, मोदी जैसा गुंडा मेरा प्रधानमंत्री है। ये इनका ट्वीट है और इसमें ये रवीश कुमार का एक यूट्यूब पर वीडियो इसमें कोट कर रहे हैं। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मैंने पाया कि इसमें कहीं ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया, रवीश कुमार ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैंने इनको जवाब दिया, बोता चाहिए ऐसा कहने के लिए, ऐसा कहीं नहीं कहा पूरे वीडियो में रवीश ने। आपने लिखा इसलिए आज कोर्ट खुलते ही आप पर कार्रवाई की जाएगी, धन्यवाद। जब ये जवाब इनको मिला तो दिग्विजय सिंह जी हड़बड़ा गए। चार पांच घंटे बाद इनका रिप्लाई आता है और रिप्लाई क्या आता है वो ये देखिए, ये इनका रिप्लाई आता है। ये रवीश जी, रवीश ने प्रधानमंत्री के प्रति कोई अपशब्द का उपयोग नहीं किया। यूट्यूब पर जो रवीश का भाषण था वह मैंने ट्वीट किया, रवीश जी क्षमा करें। रवीश जी के भाषण में भी कहीं भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी। वो पूरा भाषण मैंने कई बार सुना। इसके बाद मैंने इनको लिखा, क्यों सर अब डर लग रहा है क्या, इस बार तो आप बुरी तरह फंस गए, बोलिए सर माफी मांगेंगे या पीएम को गुंडा कहने के लिए जेल जाएंगे। दिग्विजय सिंह जी को मैंने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि या तो आप जेल जाने को तैयार हो। इसके बाद मैंने फेसबुक पर पोस्ट करा था, ये देखिए 8 सितंबर का है, 6:25 शाम के 6:25 को मैं पोस्ट करता हूं कि रवीश, ये दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कहा, इसके बाद मैंने ये करा। तो डर के मारे सुबह का मेरा ट्वीट था, सुबह 7:30 का ट्वीट था, 7:36 का, एक बार फिर से दिखा देता हूं कोई कंफ्यूजन ना रहे। सुबह 7:36 8 सितंबर। इसके बाद में इनको जब डर लगा तो इनका ट्वीट आता है, ये 5 घंटे पहले का, और यहां पर फिर मैं इनको ट्वीट करता हूं कि आपको यदि डर लग रहा, और ये 6:25 पर शाम को मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें कहा था कि दिग्विजय सिंह जी ने इस तरह की गलत भाषा का उपयोग किया और इस बार या तो माफी मांगे या जेल जाने की तैयारी करो। ये मैंने दिग्विजय सिंह जी के लिए साफ साफ लिखा। इसके बाद में उसी में कमेंट आते हैं शाम को 8:36 पर, ये कमेंट आता है 8:27 पर शाम को, और ये कहते हैं कि नहीं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। संदीप देव जी हैं, इन्होंने इनका कहना नहीं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। गिरधारी भार्गव जी हैं, इन्होंने भी कहा 8:28 पर कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद मैंने कहा ठीक है, आप सबकी यही इच्छा है तो सोमवार को इस शुभ कार्य को अंजाम दिया जाएगा, यानी इन पे कोर्ट केस किया जाएगा। 8:36 का ट्वीट है। इसके बाद में मुझे एक सज्जन ने एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट भेजा, मुझे नहीं मालूम मैंने उसको 8:36 में मैं कहता हूं कि उनको इन पर हम कार्रवाई करेंगे, 9:05 पर दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आता है, मैं नरेंद्र मोदी जी से क्षमा मांगता हूं, मुझे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, सॉरी मोदी जी। ये मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने अभी इसको वेरीफाई नहीं किया ये सही है या नहीं है। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है दिग्विजय सिंह जी, गलती सबसे होती है, आपसे भी गलती हुई, आपने माफी मांगी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम इस मैटर को हटा देते हैं। मेरा सिर्फ आपसे एक कहना है